हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा, आपका स्वागत है चंदा देसी किचन में। आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आप लोग के लिए गाजर के हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये देखिए, लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ गाजर का हलवा। इस गाजर के हलवा को हम दूध के साथ बनाएंगे, खोया या मावा का यूज़ नहीं करेंगे। इस हलवा के लिए गाजर, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी और थोड़ा सा घी यूज करेंगे। तो चलिए फिर हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर लिया है। मैंने हलवा के लिए ऑरेंज गाजर लिया है। इस टाइम रेड गाजर आ रहा है, आप रेड गाजर भी ले सकते हैं। गाजर को पहले ग्रेट करेंगे। तो गाजर को थोड़ा मोटा ही ग्रेट करना है हमें, तो ग्रेटर का सबसे मोटा वाले भाग से ग्रेट करेंगे। और गाजर का छिलका मैंने नहीं निकाला था, आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। गाजर साफ दिख रहा था तो मैंने ऐसे ही ग्रेट कर लिया है। और देखिए, जब गाजर को ग्रेट करेंगे तो जो ऊपर का कड़ा वाला भाग बचेगा तो उसको निकाल देंगे। और मैंने यहाँ पर सभी गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। हलवा के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर के हिसाब से 250 ग्राम चीनी लिया है और 500 ml दूध लिया है। थोड़ा सा काजू और बादाम कट करके लिया है। किशमिश लिया है, 4 से 5 इलायची को कूट कर लिया है। तो चलिए हलवा बनाते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। हलवा के लिए पहले गाजर को हमें पकाना है थोड़ा सॉफ्ट होने तक। तो अब यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के साथ गाजर ऐड कर लेंगे। और गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम घी में भी बना सकते हैं। और गाजर को घी के साथ चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसको सॉफ्ट होने के लिए 3 से 4 मिनट ढक कर पकाएंगे। और देखिए, पकने के बाद थोड़ा सा गाजर कम दिखने लगा है, अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो गाजर को एक बार और ढक कर पकाएंगे। और हलवा के लिए गाजर को 5 से 6 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए, और ढक देंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गाजर को फिर से एक बार चला लेंगे। और देखिए, गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आप गाजर को दूध में पकाने से पहले थोड़ा सा घी में ऐसे ड्राई पका लें तो ज़्यादा अच्छा हलवा बनेगा। अब यहाँ पर दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूध को हल्का सा गर्म करके डाला है, क्योंकि गाजर को अभी पकाए थे तो गाजर हिट है, तो थोड़ा सा दूध को गर्म करके ही डालें। अब इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब दूध की क्वांटिटी हाफ हो जाए तब यहाँ पर चीनी डालेंगे। 500 ग्राम गाजर के हिसाब से 250 ग्राम चीनी डालेंगे। हलवा एकदम अच्छा मीठा हो जाता है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। और दूध 500 ml लिया था, आप थोड़ा ज़्यादा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी थोड़ा पहले डाला है, क्योंकि गाजर को थोड़ा चीनी के साथ पकाएंगे ताकि गाजर में चीनी की मिठास अच्छे से आ जाए। और इसको बराबर चलाते हुए पकाएंगे ताकि पैन में चिपके ना। अब यहाँ पर थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने काजू, बादाम, किशमिश को भी ऐड कर दिया है। और ड्राई फ्रूट को आप हलवा में पहले डालकर थोड़ा सा पकाकर देखिएगा। और ड्राई फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और इसमें चीनी की स्वीटनेस भी अच्छे से आ जाती है। हलवा में ड्राई फ्रूट का टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और गाजर का हलवा आप इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर देखिएगा, गाजर के हलवा का टेस्ट ज़्यादा ही आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो हम गाजर का हलवा ट्रेडिशनल तरीके से ज़्यादा दूध में ही बनाते हैं, आप इसको खोया में भी बना सकते हैं। अब ये थोड़ा ड्राई दिखने लगा है तो अब इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसको भी हलवा के साथ चलाकर मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालने से इसमें खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब देखिए, हलवा ड्राई दिखने लगा है तो अभी इसमें मॉइस्चर है, तो इसको थोड़ा सा घी के साथ अभी भूनेंगे। गाजर का हलवा बनाते टाइम जब हलवा थोड़ा ड्राई हो जाए ना तो उसको 1 से 2 चम्मच घी डालकर भून कर देखिएगा, हलवा का टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आएगा। हलवा ज़्यादा ड्राई दिखने लगा है तो गैस का आँच कम कर देंगे, मीडियम टू लो रखेंगे। इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट या होटल वाला हलवा चाहिए ना तो आपको लगेगा कि रेस्टोरेंट जैसा हलवा हम घर पे खा रहे हैं। और ये हलवा लगेगा कि दूध से नहीं, खोया से ही बना है। हलवा में देसी घी का यूज करते हैं, उसका भी खुशबू अच्छा आता है। और देखिए, हलवा ड्राई दिखने लगा है, घी अलग होने लगा है और गाजर का लच्छेदार हलवा बनकर रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, लग रहा है ना परफेक्ट बना हुआ गाजर का हलवा। और जो शादी में खाते हैं हलवा, हलवाई स्टाइल में बना हुआ ऐसा लग रहा है ना। तो आप भी इस तरह से एक बार गाजर का हलवा बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अब गाजर के हलवा को सर्व करने के बाद थोड़ा सा इस पर ड्राई फ्रूट और लगा दीजिए और ही दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप भी इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर खाइए और एंजॉय कीजिए।